आज की नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए प्रोडक्ट के साथ आए हैं जिसके अंदर हम जानेंगे लाइव डेमो ऑफ संपूर्ण हनुमान, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि डिजिटल तरीके से डिजाइन किया गया है। और ये अगर आप परचेस करते हो जो कि हाउमा के तरफ से सेफ शॉप प्रोवाइड करता है आपको, तो आपको एक ज्ञान वज्रा खरीदना पड़ेगा और साथ में एक संपूर्ण हनुमान जो कि एक डिजिटल बुक है ये परचेस करना पड़ेगा आपको। मैं आज इन दोनों के बारे में लाइव डेमो दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम ज्ञान वज्रा के बारे में जान लेते हैं। देखिए सर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके बारे में आपको मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि इस डिवाइस के साथ साथ आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चार्जर प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद एक ज्ञान वज्रा का स्टैंड प्रोवाइड किया जाता है और साथ में आपको एक ज्ञान वज्रा जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्रोवाइड किया जाता है। कुछ ऐसा सेटअप इसका बन के आता है। बॉक्स को करते हैं साइड, क्योंकि बॉक्स का कोई काम नहीं है, काम है ज्ञान वज्रा का। देखिए, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर सभी चीज दी हुई है। अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको रिकॉर्ड करना है आपकी पर्सनल वॉइस तो आप यहां से वो भी कर सकते हो और एक्सचेंज करके खुद की वॉइस सुन भी सकते हो। वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन प्रोवाइड किए गए हैं और सबसे टॉप पे जो बटन है वो है ऑन एंड ऑफ का। इसकी एक खासियत मैं आपको बता दूं, जब ये ऑन होगा तो भी इसमें एक म्यूजिक बजेगा और जब ये ऑफ होगा तो भी इसमें एक म्यूजिक बजेगा, जिससे हम जान पाएंगे कि ये डिवाइस करंट टाइम में ऑन है या ऑफ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ये डिवाइस कंप्लीटली ऑन हो चुका है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूं, फिर जानेंगे हम भागवत गीता के बारे में। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। चलिए हम जान लेते हैं संपूर्ण हनुमान के बारे में। तो कुछ ऐसा डिज़ाइन होकर ये प्रोडक्ट आपके पास आएगा अगर आप इसे ऑर्डर करते हो। और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ऐसा कुछ अंदर से पैकिंग इसकी आएगी, जिसके साथ साथ आपको एक बाल हनुमान की बुक प्रोवाइड की जाएगी। मतलब हनुमान भगवान ने अपने बचपन में जो भी क्रियाएं की थी, मतलब बचपन में जो जो कांड किए थे, उन सभी के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस बाल हनुमान बुक में प्रोवाइड की गई है। मैं आपको इसका भी डेमो दूंगा, फिलहाल इसको करते हैं साइड। अब जान लेते हैं मेन संपूर्ण हनुमान के बारे में, जिसके बारे में ये वीडियो बनी हुई है। तो संपूर्ण हनुमान कुछ ऐसा आएगा पैक होके, और इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे जो कि कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको एक वारंटी कार्ड दिया जाएगा, और वारंटी कार्ड साइड करते हैं तो फिर आपको क्या दिया जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा, और इस डिवाइस का कैसे यूज करते हैं उसका एक मैनुअल दिया जाएगा, और उसके बाद ये हनुमान जी का कैसे राम भगवान से मिलन हुआ था उसके बारे में भी ए टू जेड इंफॉर्मेशन दी गई है। इन सारे पेपरों को हम कर देते हैं साइड। अब हम जान लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, प्रोडक्ट इतना यूनिक है कि अगर आप इसे देखते हो और इसे सुनते हो तो आप ऑटोमेटिकली ही इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक धार्मिक इंसान को 100% पसंद आएगा। हर इंसान अभी के समय में क्या है कि बाहर की नॉलेज लेके तो बड़े खुश हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनल हैप्पीनेस उसे नहीं मिल पा रही है। तो अगर आप इस स्पिरिचुअल पैकेज को परचेज करते हो तो आप इंटरनल हैप्पीनेस को भी ले सकते हो। आप अगर इसका डिज़ाइन देखो तो A1 क्वालिटी का प्रीमियम डिज़ाइन किया गया है जो कि गोल्डन कलर का है और 3D में पेंटिंग की गई है। और इसके हर एक पेज की बात करूँ तो हर एक पेज काफी मोटा है, जिससे हमें यह पता चल सकता है कि यह जो पेज है डिजिटलाइज तरीके से डिजाइन किया गया है। हर एक पेज के अंदर मेमोरी कार्ड लगी हुई है, जिससे यह जो स्कैनर है, कहने का मतलब यह ज्ञान वज्रा जो है स्कैन करता है हर एक पेज को और भजता है। मैं अभी आपको इसका लाइव डेमो देता हूं। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ ऐसा इसका अंदर का है, और इस डिवाइस को ऑन करते हैं एक बार और। इसको पॉज कर दिया, अब ये ऑन हो चुका है। इसको स्टार्ट करके इसे कैसे प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो देखिए, ये यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, ओ
इसको फिर से पॉज करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। मैं आपको इसकी एक खासियत बता दूं, इस संपूर्ण हनुमान स्पिरिचुअल पैकेज की इसकी खासियत ये है कि ये पैकेज आपको 9 लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाता है। 9 लैंग्वेज कौन कौन सी है, देखिए, इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, कन्नाड़ा है, आसामी है, गुजराती है, नेपाली है। इस 9 लैंग्वेज में आप इस बुक को सुन सकते हो, समझ सकते हो और यहाँ से ज्ञान ले सकते हो। ये स्टार्ट हो चुकी है। अब हम कहीं से भी कोई सा भी पेज खोल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेज हम खोलते हैं तो ये पेज पे क्या लिखा हुआ है देखिए। देखिए जो यहाँ लिखा है उसकी मीनिंग क्या है। आप अतुलनीय शक्ति के धाम और भगवान श्री राम जी के दूत हैं। आप माता अंजना के पुत्र व पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। इसको कर दिया फिर से हमने पॉज। आप इसकी वॉइस क्वालिटी से जान सकते हैं कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। और ये हिंदी इंग्लिश जैसे कि मैंने आपको बताया 9 लैंग्वेज में आपको अवेलेबल कराया जाता है। आप कहीं से भी कुछ भी खोल लीजिए, कुछ भी। फॉर एग्जांपल हम कहीं से भी एक रैंडम तरीके से हम इसको ओपन करते हैं। कई आदमी कहते हैं ये देखिए, जैसे हमें ये भगवान की फोटो निकल के आई तो इस फोटो से क्या हम समझते हैं, मतलब क्या ये फोटो क्या विजुलाइज हमें कराता है उसके बारे में हम जान सकते हैं ऐसे। फिर से पॉज कर दिया ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। रैंडम तरीके से आप कुछ भी ओपन कर सकते हो, जैसे कि कुछ भी ओपन किया, जैसे श्री रामचंद्र जी के बारे में दिया गया तो वो भी बोलेगा। अगर चैप्टर लिखा हुआ है, एक बात और मैं आपको बता दूं, इस बुक के अंदर स्पिरिचुअल पैकेज के अंदर हर एक पेज पे लिखा हुआ हर एक शब्द बोलता है। जैसे यहाँ चैप्टर 5 लिखा है, चैप्टर 5 श्री राम रक्षा स्तोत्रम। राम रक्षा स्तोत्रम इज अ संस्कृत स्तोत्र हिम इन प्रेज यूज्ड एज अ प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन। राम रक्षा स्तोत्रम एक संस्कृत स्तोत्र है जिसको रक्षा के लिए प्रार्थना के रूप में उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको 9 लैंग्वेज का यूज करके बताता हूं। जैसे कि पहले तो हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी हे भगवान शिव के अवतार राजा केसरी के पुत्र, आपके पास महान शक्तियां व साहस है तथा आप संपूर्ण ब्रह्मांड के द्वारा वंदनीय है। तमिल சிவபெருமானின் அவதாரமே கேசரி மைந்தனே, உங்களிடம் சிறந்த வலிமையும் தைரியமும் இருக்கிறது. பிரபஞ்சம் முழுவதும் தெலுங்கு ஓ பகவந்துடைன சிவுடி அவதாரமா, ராஜா கேசரி யொக்க சந்தானமா, மீ வத்த மகாசக்துலு சாகசாலு உன்னாயி, மீரு பிரம்மாண்டமந்தா நமஸ்கரிஞ்சி தாகினவாரு. குஜராத்தி हे भगवान शिव ना अवतार राजा केसरी ना पुत्र, आपनी पासे महान शक्तियों अने साहस छे तथा आप संपूर्ण ब्रह्मांड द्वारा वंदनीय छो। कहने का मतलब है कि 9 लैंग्वेज का आप किसी भी पेज पे किसी भी प्लेस पे यूज कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा डेमो था इसके बारे में, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। वैसे देखा जाए तो सारी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप भजन के शौकीन हैं और आपको सुनना बहुत पसंद है, तो अभी के लोग YouTube पे सर्च मारते हैं, इधर उधर से भजन सुनते हैं, लेकिन आपके पास इंटरनेट का साधन ना हो तो आप इस बुक के माध्यम से भजन भी सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुबर बिमल जस जो दायक
जितने भी भजन हैं सारे ए टू जेड दिए गए हैं, और अगर आप हनुमान चालीसा की आरती या कोई भी भगवान की आरती में इंटरेस्टेड है तो आप आरती भी सुन सकते हैं। देखिए, इसको करते हैं पॉज ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। ये तो था संपूर्ण हनुमान का डेमो जो कि आप देख चुके हैं कम्प्लीटली। अब जान लेते हैं हम बाल हनुमान के थोड़ा सा डेमो। बाल हनुमान को भी स्टार्ट अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे इनकी जो गदा है वहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट पे टच करना। बाल हनुमान, वीर हनुमान, रेड हनुमान, हनुमान वंस अप्लाइड वर्मिलियन ऑल ओवर हिज बॉडी टू मेक हिज लॉर्ड रामा हैप्पी। His actions proved he is a real devotee. देखिए, जैसे इसे ओपन करते हो तो जैसे ये हनुमान जी के फादर एंड मदर है तो ये इनसे भी आप प्रेरणा ले सकते हो, और इनके समय अभी ये क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं यहाँ की विजुअलाइजेशन आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हनुमान जी को आपको पता है जब बचपन में ये इनको सन जो है एक फल के तरह लगा था और फल खाने के लिए चले गए तो उस समय क्या सोच रहे थे, देखिए उड़ते उड़ते। Yum, I am hungry. कह रहे बहुत भूखा हूं मैं, मुझे सन खाना है, क्योंकि इन्हें लगता था कि सन एक फल है। यहाँ पे देखिए, juicy sun. Hanuman thought that the sun must be the biggest, ripest fruit of all, and wanted to taste it. He made a giant leap into the sky and reached out to catch the glowing sun. This made Indradev angry. हनुमान को लगा कि सूर्य एक रसदार फल है और वे उसे खाना चाहते थे। उन्होंने आकाश में एक विशाल छलांग लगाई और चमकते सूर्य को पकड़ने के लिए निकल गए। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए। तो इस प्रकार आप बाल हनुमान के बारे में, भगवान हनुमान ने जो अपने बालपन में जो जो क्रियाएं की थी उसके बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस बुक के माध्यम से ले सकते हैं। तो सर, ये था हमारा डेमो, और आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे बिल्कुल सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि ऐसे ही नई वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतनी पेशेंसफुली सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।